So, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट ट्यूटोरियल्स के YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यार से ग्रेट ट्यूटोरियल्स वॉइस के लिए जरूर करिएगा दोस्तों। So, दोस्तों आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी श्रीमती वर्षा गायकवाड़ जी ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि जो हमारे पहली से लेकर बारहवीं कक्षा के जो छात्र है उनका जो सिलेबस है पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्या रिड्यूस कर दिया गया है कोविड-19 के पैंडेमिक के वजह से दोस्तों। दोस्तों आज मैं इसलिए आप लोगों के सामने आया हूँ हमारा साइंस 2 का टेक्स्ट बुक लेकर, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सी चीजें आपको पढ़नी है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए और कौन सी चीजें आपको निग्लेक्ट करनी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यहाँ पे जो सबसे पहला 3 क्वेश्चन है वो कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। फिर ज्यादातर जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैंसिल कर दिया गया। फिर यहाँ पे देखो आप सेकंड पैराग्राफ पूरी तरह से, और ये हमारा जो पीक इनटू हिस्ट्री ये भी क्या कैंसिल किया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, यूज ऑफ आईसीटी यानी जो भी येलो हाइलाइट्स किए दोस्तों वो कैंसिल, आपके येलो हाइलाइट्स किए गए कैंसिल है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट ये भी आपका कैंसिल है दोस्तों। जो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट क्वेश्चंस थे ये ज्यादातर कैंसिल, आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन जो साइंटिस्ट का था वो कैंसिल किया गया, यहाँ पे भी कैंसिल है दोस्तों। फिर ये जो जर्नी ऑफ ह्यूमन था वो भी कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। इसी से मैंने चैप्टर 1 का बता दिया आप लोगों को, आप चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस कैंसिल है। फिर उसके बाद ये डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था वो भी कैंसिल किया गया और ये क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिए गए दोस्तों। फिर वापस एटीपी का पूरा जो पैरा था वो डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से और एटीपी से भी, और यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट का रिड्यूस किया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे फिर एक बार देख सकते हो कि ये ऑलवेज रिमेम्बर कैंसिल किया गया है। फिर ये देख सकते हो क्वेश्चंस कैंसिल किए। फिर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके बहुत सारी जो चीजें थी वो कम हो गई, आपका बर्डन थोड़ा कम होने वाला लगता है मेरे को। फिर ये क्रोमोसोम्स भी डिलीट किया गया यानी कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। फिर जो प्रोसीजर ये भी कैंसिल है। फिर सिलेबस के लेसन नंबर 3 पे आ गए हम, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कैंसिल हुए दोस्तों। फिर आपका ये फ्रेगमेंटेशन का सेकंड पैराग्राफ कैंसिल है। फिर स्पोर्ट का फर्स्ट पैराग्राफ कैंसिल है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस जो है रिड्यूस किए गए, कैंसिल इन द सेंस रिड्यूस किए गए दोस्तों इस साल के लिए। फिर आपका फ्लावर्स वाला जो था, फ्लावर्स वाले भी जो चीजें वो रिड्यूस की गई है दोस्तों। यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन चल रहा था वो भी कैंसिल है, रिड्यूस किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ रिड्यूस किया है। फिर सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स ये भी क्या कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बर्थ ये भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। और फिर हार्मोन से आला क्वेश्चन दो है रिड्यूस किए गए दोस्तों। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो वापस रिमेंबर करने वाली जो चीज है वो कैंसिल कर दी, और यहाँ पे पूरा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था वही क्या रिड्यूस कर दिया गया है दोस्तों। अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4 की तरफ बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कैंसिल किए गए। फिर उसके बाद ये थिंक वाली चीज कैंसिल की, क्वेश्चन वापस के कैंसिल है। फिर ये पूरा चार्ट कैंसिल हो गया दोस्तों। फिर साइकिल्स आर ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ये भी कैंसिल है। फिर ये भी चीज क्या कैंसिल है आप लोगों की। फिर कंप्लीट द चार्ट ये टेबल आपका पूरा कैंसिल है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो था वो भी क्या पूरा डिलीट कर दिया गया है, और साथ ही साथ पीक इनटू हिस्ट्री ये भी क्या रिड्यूस कर दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ, हालांकि पूरा पैराग्राफ क्या लगभग कैंसिल किया गया है, और ये आपका लाइन भी क्या कैंसिल है, और ये आपका ये भी चीज कैंसिल है, और ये चार्ट भी आपका कैंसिल हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर आपका कैंसिल है, कौन सा नहीं है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है दोस्तों। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट ग्रेट ट्यूटोरियल्स वॉइस के लिए कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपका आप देख सकते हो कि जो भी चीजें येलो हाईलाइट की गई वो आपका पूरी तरह से कैंसिल है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेबल था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस थे उसके लिए जो टेबल था उसको भी कैंसिल किया गया यानी रिड्यूस कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो आधे से ज्यादा पेज कैंसिल था दोस्तों। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी था वो सिर्फ शुरू था। फिर उसके बाद आपका ये वापस क्वेश्चन आपका, फिर यहाँ पे हाइड्रोलिक प्लांट्स इन द प्लांट्स, फिर ये आपका पूरा जो इमेज है वो रिड्यूस किया गया है। फिर ये आपका समझ सकते हो आपकी आपका 57 पेज था पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया दोस्तों।
आपको चैप्टर नंबर सिक्स में, चैप्टर नंबर सिक्स में जो पहला पैरा क्वेश्चन था वो डिलीट कर दिया गया, फिर सेकंड पेज पे भी जो पहले पैराग्राफ थे वो डिलीट कर दिया गया दोस्तों। फिर उसके बाद आपका दिख सकता है आपका लास्ट पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ, और फिर वापस से आप देख सकते हो कि जो लगातार जो सिलेबस है रिड्यूस किया गया सिक्स चैप्टर से दोस्तों। यहां पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन भी आपका रिड्यूस है हर बार की तरह, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ये भी रिड्यूस किया गया है। फिर उसके बाद आपका जो येलो पैच बॉक्स है वो भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है दोस्तों। आप जितने भी येलो मार्किंग देख सकते हो, येलो मार्किंग देखते हो वो रिड्यूस है, पूरा रिड्यूस पोर्शन है जो आपके लिए लाया गया है गिरी ट्यूटोरियल्स वॉइसर के द्वारा दोस्तों। अब इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी, अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ पूरा रिड्यूस किया गया है, पूरा हटा दिया गया, फिर क्वेश्चंस आपको पता है और येलो बॉक्स वाली चीजें पता ही है कि वो लगातार रिड्यूस किया गया है। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा रिड्यूस है, फिर आपका फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ भी रिड्यूस है दोस्तों 81 पेज पे, फिर 82 पेज पे आपका क्वेश्चन जो था वो रिड्यूस है और बाकी कुछ नहीं, फिर वापस से क्वेश्चन रिड्यूस है दोस्तों। फिर ये आपका आपका ये एल्कानो वोरक्स बर्क्यूमेनिस, ये इसका जो पहला है वो कैंसिल हुआ, ऑलरेडी एक्सेप्ट में पूछा नहीं जाता है, फिर भी यहाँ पे मार्क किया गया है। फिर यहाँ पे आपको कलेक्ट द इमेजेस, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आठवें टॉपिक पे आते हैं, सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कैंसिल है, फिर उसके बाद आपका ये वाली लाइन पूरी कैंसिल है, फिर आपका सेकंड पेज पे आपका फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ पूरा कैंसिल है, फिर थर्ड पैराग्राफ, फिर ऑर्गेन एंड बॉडी डोमिनेशन पूरा आ रहा है, जो साइट्स के नाम दिए गए वो कैंसिल है, और यहाँ पे आपको जो बॉक्सेस है वो दिए कैंसिल है। बायोटेक्नोलॉजी आप इजीली कंडक्ट कर सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या इश्यू होगा कि ये भी हमारा कैंसिल है दोस्तों, जिसे आईसीटी कैंसिल लगा था, आईसीटी कैंसिल है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारा क्या कैंसिल हो चुका है पोर्शन में से, तो लगभग बहुत सारी जो चीजें थी दोस्तों वो कैंसिल हो चुकी है, ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे सको, अपनी जो तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आप पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष जो आपको अनाउंसमेंट है 25% रिड्यूस सिलेबस की वो जल्दी दी गई है दोस्तों। अब 9th सोशल हेल्थ, यहाँ पे भी आपका जो चार्ट है कैंसिल हो गया है, फिर आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है वो कैंसिल हो गया, ये भी क्वेश्चन तो कैंसिल हो गए दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा पैराग्राफ कैंसिल है, पूरा का पूरा पैराग्राफ कैंसिल है दोस्तों। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपका कुछ नहीं, सिर्फ बॉक्स जो है वो गायब है, और इससे हमारे चैप्टर नंबर 9 भी मैंने क्लियर कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो कैंसिल है हर बार की तरह, हमेशा की तरह। फिर यहाँ पे भी जो कुछ क्वेश्चन है वो भी कैंसिल है, फिर ये भी कैंसिल है दोस्तों आपका। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा कैंसिल है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा येलो हाइलाइटिंग दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगभग सारे चैप्टर्स बता दिए, सारे चैप्टर्स आप लोगों को बता दिए क्या चीजें कैंसिल हो क्या चीजें नहीं कैंसिल है। तो दोस्तों इसी से अब मैं अलविदा लेना चाहूंगा, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। तो आपको कौन से और सब्जेक्ट के रिड्यूस सिलेबस आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच।